नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564309906089752384455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीएससी पेड क्विजेज जो हम लगातार देख रहे हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, उसको कंटिन्यू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए, कहा जा रहा है आपसे कि वर्ष 2022 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस देश की लेखिका एनी एर्नॉक्स को दिया गया है। ठीक है, तो नाम ध्यान से देख लीजिए, एनी एर्नॉक्स, इनको मिला है लिटरेचर का, ये संबंधित है फ्रांस से। ठीक, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में सफाई मित्र सुरक्षा की एक कैटेगरी जो है, इसमें किस शहर को सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो जैसे ओवरऑल सिटी की हम बात करें तो वहाँ पे इंदौर को छठी बार लगातार मिला है। ठीक, तो पहले भी मैंने आपको बताया है कि जो है जितने भी इंपॉर्टेंट इसके फैक्ट्स हैं, है ना, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स के जो भी हाल ही में दिए गए हैं, ये प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। तो अगर हम इसमें बात करें सफाई मित्र की कैटेगरी में, तो ये है इसका तिरुपति। ठीक, सविता पूनिया और पी आर श्रीजेश, ठीक है, इन दोनों को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर 2021-22 के लिए अभी हाल ही में जो है चुना गया है। ठीक, तो इन दोनों के नाम ध्यान रखिएगा। तो इसी क्रम में ये बताइए कि जो है FIH यानी कि जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है, ठीक है, इसका मुख्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो ये है आपका जो है इसमें ये, हाँ, लुसाने स्विट्जरलैंड, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसकी फाउंडेशन हुई थी 1924 में। नेक्स्ट देखिए कि मुख्यमंत्री KCR ने तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी जो है उसका नाम बदल करके भारत राष्ट्र समिति पार्टी कर दिया गया है। ठीक है, तो ये बताना है कि जो अब तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी थी, इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो यहाँ से हमारा जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इनका फुल फॉर्म आप जानते होंगे, जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं KCR राव। हाल ही में किस देश की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को UNHCR, ठीक है, जो यूनाइटेड नेशंस कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनके द्वारा नैनसन शरणार्थी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो अवार्ड का नाम भी ध्यान से देख लीजिएगा, नैनसन नाम है और ये एंजेला मर्केल जो है इनके लीडरशिप और करेजियस एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ पे इनको ये अवार्ड दिया गया है। और ये पूर्व में जैसे इसकी पोस्ट होती है ना प्राइम मिनिस्टर की किसी देश की, तो लगभग उसी के सिमिलर की एक पोस्ट है जिसको चांसलर कहा जाता है जर्मनी में। ठीक, तो इनको दिया गया है। स्तन कैंसर जागरूकता माह 2022 कब से कब तक मनाया गया। ठीक है, तो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस जो मनाते हैं इसको यहाँ पे 1 से 31 अक्टूबर तक। ठीक, इसमें यह ध्यान रखिएगा कि ब्रेस्ट कैंसर जो है इसका इंटरनेशनल सिंबल है अवेयरनेस का पिंक रिबन। ठीक, इसको भी ध्यान रखिए। 3 लोगों को रसायन के क्षेत्र में 2022 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, तो निम्न में से कौन उसमें से एक नहीं है। ठीक है, इन 3 में, तो यहाँ पे एंटन ज़लिंगर जो है ये नहीं है, सी ऑप्शन को हम चूज करेंगे। इसमें ऊपर के ये 2 लोग जो हैं ये USA के हैं और ये मोर्टन मेंडल जो हैं ये डेनमार्क के हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाथियों के पुनर्वास हेतु बचाव केंद्र की स्थापना की गई। ठीक है, तो ये एलिफेंट रिहैबिलिटेशन रेस्क्यू सेंटर है यहाँ मथुरा में। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विथ टीचर्स, ठीक है, ये देखिए थीम है किसका, विश्व शिक्षक दिवस 2022 का। तो जैसे इंडिया में टीचर्स डे होता है ना 5 सितंबर को, तो उसी प्रकार से एक वर्ल्ड लेवल पे टीचर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है 5 अक्टूबर को, है ना, तो 1 महीने का गैप है। कर्मा नृत्य मुख्यतः जो है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो एक प्रकार का ट्राइबल डांस है, सोनभद्र का जो रीजन है यहाँ पे आप देखते होंगे ना, ये मिर्जापुर के नीचे वाला जो एरिया है इधर, तो यहाँ पे किया जाता है।
निम्नलिखित में से नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख कौन थे जिन्होंने बख्तियार खिलजी की लंबी बीमारी को ठीक किया था? ठीक है, तो यहाँ पे मुस्लिम रूल जब आप पढ़ते हैं तो बख्तियार खिलजी वगैरह के बारे में पढ़ते होंगे डायनेस्टिक पीरियड में, तो इसकी लंबी बीमारी को ठीक किया था इन्होंने, ये आचार्य राहुल श्रीभद्र। लंदन के इंडिया हाउस में रहने के दौरान वीर सावरकर ने कौन सी सोसाइटी का गठन किया था? ठीक है, तो एक जो है ऑर्गेनाइजेशन फाउंड किया गया था विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा, फ्री इंडिया सोसाइटी। ठीक है, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन, देखिए जो क्रिप्स मिशन आया था 42 के दौरान, ठीक है, तो उसके साथ आधिकारिक कांग्रेस के वार्ताकार थे, यानी कि जो चीफ नेगोशिएटर्स थे कांग्रेस की तरफ से कौन थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी ऑप्शन। जोहानिसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस वर्ष अपनी पहली जेल की अवधि पूरी की? ठीक है, तो देखिए साउथ अफ्रीका में गांधी जी के जितना पूरा कार्यकाल रहा रहने के दौरान इनको चार बार जेल की सजाएं हुई, तो पहली जो जेल टर्म थी वो जनवरी 1908 में हुआ, ठीक है, लगभग 2 महीनों का, तो ये उसी के बारे में पूछा जा रहा था, तो सी ऑप्शन को चूज करेंगे हम। जो महाद्वीप एक दूसरे का प्रतिबिंब रूप बनाते हैं उनके नाम बताना है, ठीक है, तो प्रतिबिंब की एक तरीके से जैसे मैप में आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो जो साउथ अमेरिका है, ठीक, और अफ्रीका है ना, ये दो कॉन्टिनेंट लगभग एक जैसे लगते हैं ना, तो यहाँ पे ड्राइंग पे मत जाइएगा, मैप में आप एक बार देखेंगे तो ऐसे आपको शेप मिलेगी, तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? ये सी वाला। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो लिखा है आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है, तो ये बात ठीक थी 1937 तक, ठीक है, क्योंकि 1937 में इसको शिफ्ट कर दिया गया है मुंबई में, ठीक है, जब फाउंडेशन इसकी हुई थी तब ये जो है कोलकाता में था, ठीक, तो यहाँ से ये गलत है, बाकी ये स्टेटमेंट ठीक है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल जो है इसके संबंध में हमको सही कथन चुनना है, तो देखिए लिखा है कि इसका गठन वर्ष 2000 में किया गया था, तो ये गलत है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ये जो है एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा इसको वर्ष 2010 में ये स्थापित किया गया, ठीक। दूसरा है रिजर्व बैंक के गवर्नर इसके अध्यक्ष होते हैं, तो ये भी गलत है, गलत इसलिए है कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो इसके जो है अध्यक्ष हैं, कह लीजिए, तो दोनों ही गलत हैं, इसमें से कोई नहीं चूज कर लेंगे। काला पानी विवाद भारत और किस देश से संबंधित है? ठीक है, तो ये इधर देखेंगे आप जो काली रिवर वाला एरिया है भारत और नेपाल के बीच में, ठीक है, तो इससे ही संबंधित है ये ऑप्शन सी। फरीद खान को शेर खान की उपाधि किसने दी थी इसमें से? तो देखिए फरीद खान था जो बेसिकली यहाँ पे ये है ना बहार खान, तो ये मुगल गवर्नर था बिहार के रीजन में, तो उसके अंतर्गत ये कार्यरत था, तो यहाँ पे इसके जो है साहसिक और इन तरीकों के कार्यों के लिए है ना इसको इस शेर खान की उपाधि दी थी इसने, तो ये यहाँ पे सी ऑप्शन को हम चुनेंगे। ये सू डायनेस्टी का टाइम पीरियड आप एक बार पढ़ेंगे वहाँ पे तो आपको ये मिल जाएगा। 1930 में सर सीवी रमन को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था ये बताना है, तो ये इनको दिया गया था जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का जो स्टडी है ना ये प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए। पेड़ पौधों में जाइलम जो है किसके लिए उत्तरदायी होता है ये बताना है, तो एक प्रकार का कह लीजिए ये टिश्यू है वैस्कुलर प्लांट्स में आप देखेंगे, तो रूट से जो है पत्तियों तक जो है वाटर ट्रांसपोर्टेशन का काम इसके द्वारा मेनली किया जाता है, तो सी ऑप्शन को चूज करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जो है मानव नेत्र यानी कि जो आपकी आंख होती है उसके भाग हैं? ठीक, तो कॉर्निया भी होता है, पुतली होती है, नेत्र लेंस होता है, जलीय उद्रव है ना, एक्वस ह्यूमर, ये सब सारे ही होते हैं, तो डी ऑप्शन को चूज करेंगे यहां से। देखिए निम्नलिखित में से कौन से अजैविक घटक हैं यानी कि एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में बात हो रही है, तो तापमान, जल, आर्द्रता, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये सब एबायोटिक हैं। बाघ यानी कि जो ये लिविंग में आ गया ना, तो लिविंग थिंग्स जितनी भी होती हैं ऑर्गेनिक मैटर्स है ना, ये सब क्या है, ये सब बायोटिक फैक्टर में आएंगे, तो इसको छोड़ करके 6 6 ये वाला काट दीजिए तो 1 2 3 4 5 बच जाएगा।
एशियाई शेरों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है यहाँ पे ये देखना है। तो इनका देखिए लास्ट जो सेंसस हुआ था एशियाटिक लायंस का 2020 में हुआ था, तो इसके अनुसार भारत में इनकी कुल संख्या जो है 674 थी, तो ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा है कि इससे पहले 2015 में जो सेंसस हुआ था तो उसमें 523 थी इनकी संख्या, तो ये भी ठीक है। और एशियाटिक लायंस का जो साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा लियो पर्सिका है, तो ये भी ठीक है। तो तीनों ही हम चूज करेंगे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इसकी शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई, तो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान जो है ये स्टार्ट हुआ, तो इसमें यहाँ पे वर्ष 1952 से कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इसको चलाया गया था, स्पेशली एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स वगैरह पे फोकस था इसका। आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमी के हम देखिए सेक्टर्स देखते हैं, जैसे प्राइमरी सेक्टर में आपके एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज आती हैं मेजरली, सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग वाली चीज़ें आती हैं, तो यहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग और पावर जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है ये इसमें ही आ जाएगा। थर्ड सेक्टर में स्पेशली जो सर्विस सेक्टर है ना, जहाँ पे सेवाएं ऑफर की जाती हैं आपको इस किसी चीज़ की है ना, जैसे बैंकिंग हो गया है ना, तो ये सब चीज़ें क्या है तृतीय क्षेत्र में आती हैं, तो यहाँ से बी ऑप्शन को हम चूज कर लेंगे। 14 भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण और इसरो है ना जो हमारा स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई, तो फोर्थ फाइव ईयर प्लान 1969 से 74 तक रहा, तो इसी में यहाँ पे 1969 में ये दोनों घटनाएं हैं, ऑप्शन हम बी को चूज करेंगे। देखिए हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम दिशा में जो है सही क्रम हमको लगाना है, तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस को देख लीजिए एक बार, ठीक, इसको मैप में एक बार देख लीजिएगा, फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ। जैसे इधर सबसे पूर्वी दिशा में आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश के एक्सटेंशन पे, तो क्या है नामचा बरवा है, ठीक। फिर आएंगे इधर सिक्किम में आपको कंचनजंगा मिल जाएगा, उसके बाद इधर माउंट एवरेस्ट है ना, ऐसे कुछ क्रम बनेगा। फिर ऐसे चलते चलते चलेंगे तो उत्तराखंड से स्टार्ट हो जाएगा नंदा देवी है ना, तो ये जो चार यहाँ पे दिए हुए हैं इस तरीके से क्रम है, तो डी ऑप्शन में हमको पूर्व से पश्चिम ये मिल रहा है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, ठीक है, तो कोविड-19 का जो पैंडेमिक आया उसके बाद ये पुस्तक लिखी गई कि अगला जो महामारी है उससे कैसे बचा जा सके, ये माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर रहे बिल गेट्स। हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उत्तराखंड के बनने से पहले तक तो उत्तर प्रदेश की भी थी, ठीक, परंतु अब नहीं है क्योंकि जो 13 पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट थे उनको बना करके अलग करके उत्तराखंड बना दिया गया आपका। इसमें देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो अजैविक घटक यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट होता है सॉइल, अभी हमने ऊपर भी देखा था शायद। फिर जैविक घटक में लिविंग बींग्स आते हैं, तो मैन यहाँ पे जैविक में आ जाएगा, ठीक है। टाइगर टाइप ऑफ वेजिटेशन में देखते हैं तो चीड़ के पेड़ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सवाना में ओक नहीं मिलता है, ओक आपको मिलेगा ये जो हिमालयन रीजन है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक, तो इसको हम चूज करेंगे, ये गलत है। हाल ही में किस राज्य में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया है, ठीक है, तो ये बनाया गया है यहाँ गुजरात में। भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाने के लिए किस पंचवर्षीय योजना का प्रस्ताव है ये कहा जा रहा है, तो देखिए जो थर्ड फाइव ईयर प्लान था 61 से लेकर के आपका 66 तक, ठीक, तो इसमें यहाँ पे ये दोनों इसके कह लीजिए मेन गोल्स थे, सेल्फ रिलायंस और सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी। परंतु ये वाला जो थर्ड फाइव ईयर प्लान था आपको पता है कि इस दौरान जो है युद्ध वगैरह हुए और काफ़ी ज़्यादा ड्रॉट वगैरह की सिचुएशन रही, तो एक फेल फाइव ईयर प्लान था ये, ठीक है, अपने जो डिजायर्ड गोल्स थे उसको अचीव नहीं कर पाया था। निम्नलिखित में से कौन एक भारत का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है, ठीक, तो देखिए इसके बारे में हमने पहले भी आपको कई बार बता रखा है। अगर हम बात करें तो इंडिया में जैसे मेजरली हम चार बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के बारे में पढ़ते हैं, पहला है कि इंटायर जो हिमालयन रेंज है ये, दूसरा है इंडो बर्मा रीजन, ठीक है, इसमें आप यहाँ पे जो है नॉर्थ ईस्ट का रीजन ले लीजिए, असम है ना, अपर अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ये सब का ग्रुप। फिर है वेस्टर्न घाट्स के जो रीजन है इधर इंक्लूडिंग श्रीलंका और ये सब जो रीजन है। चौथा एक और है सुंडा लैंड, ठीक है, जिसमें आपका निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स उधर बाकी इंडोनेशिया मलेशिया इधर सब के रीजन जो है ये उसमें मेजरली आते हैं।
तो इसमें विंध जो है ये गलत है, बी ऑप्शन को चूज करेंगे। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को आप कैसे डिफाइन करेंगे जरा कमेंट करके बताइए, तो एक प्रॉपर डेफिनेशन इसकी क्या होगी। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यूकेलिप्टस का जो पेड़ है, ऐसे लंबे लंबे पेड़ होते हैं ये सफ़ेद रंग के, इनके जो कह लीजिए तने हैं, तो होते क्या है कि जहाँ इनको लगाते हैं तो पानी बहुत ज़्यादा सोखता है ये, ठीक है, तो वहाँ पे उस पर्टिकुलर एरिया में सूखे वाली स्थिति भी पैदा करता है और इन्वायरमेंट के लिए भी हानिकारक है, तो इसी के बारे में यहाँ चर्चा की जा रही थी, डी ऑप्शन। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है ये बताना है, तो बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग, जैसे मान लीजिए कभी चोट लग गई है ना, तो उस स्थिति में घावों को भरने में, तो इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरत होती है बॉडी को विटामिन के की, ठीक। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, ठीक है, तो बाइल जूस की बात हो रही है, तो ये एक तरीके का फ्लूड है जो कि रिलीज होता है आपके लिवर से, है ना, ए ऑप्शन को चूज करेंगे। आपके जो है ये गॉल ब्लैडर जो होता है वहाँ पे स्टोर होता है और आपका जो डाइजेशन है उसमें भी ये हेल्प करता है, तो ये सब फैक्ट्स इसके बारे में है ध्यान रखेंगे। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है, तो देखिए हिमालयन रेंजेस के बारे में आप पढ़ते हैं जैसे ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक ये सब ना, तो क्या है अब कहा जा रहा है कि लेसर हिमालयन रेंज में आप जो छोटे घास के मैदान देखते हैं, तो कश्मीर में इनको बोला जाता है ये आपका जो है मर्ग, जैसे आपने सुना होगा गुलमर्ग है ना, सोनमर्ग है वहाँ पर, तो इन्हीं सब के बारे में बात हो रही है। देखिए तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को क्या कहा जाता है, ठीक, तो आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में देखेंगे तो जो ग्रेट हिमालय का ईस्टर्न एक्सटेंशन है कह लीजिए ईस्टर्न पार्ट है उसको कहा जाता है असम हिमालय, ठीक, यहाँ से डी ऑप्शन जो कि तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आता है तो ये करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे पंजाब हिमालय है, ठीक है, तो ये किसके बीच में आता है आपका जो इंडस और सतलज रिवर है, ठीक है, इनके बीच में। फिर जैसे बात करें हम ये इसकी कुमायूं हिमालय की बात कर लेते हैं तो ये आपका मिलेगा जो इधर सतलज और काली नदी जो है ना इनके बीच में, ठीक, और नेपाल हिमालय की भी अगर हम बात करें इधर तो ये हो जाएगा आपका काली और तीस्ता रिवर के बीच में, है ना, तो ऐसे कुछ पूरा क्रम याद रखिएगा। अब हिमालय की जो शिवालिक रेंज देखते हैं जो सबसे यंगेस्ट है, ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन किस पीरियड में हुआ था, तो ज्योग्राफी में आपने ये पीरियड्स के बारे में हमने आपको पहले बताया हुआ है, तो सीनोजोइक पीरियड में जो है इसका निर्माण हुआ है शिवालिक रेंज का, ठीक। 2022 शीतकालीन ओलंपिक में कौन सा देश 37 पदकों के साथ यानी जिसमें कि 16 स्वर्ण थे, तो इसके साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा ये बताना है, ठीक, तो बीजिंग में हुए थे ये चाइना में शीतकालीन ओलंपिक्स 2022 के, तो इसमें टॉप पे रहा था नॉर्वे, है ना, ऑप्शन ए। अब इसी शीतकालीन ओलंपिक में देखिए मेजबान चीन ने कुल कितने पदक जीते थे, तो चीन ने जीते थे 15 जिसमें से 9 स्वर्ण थे, और यह भी ध्यान रखिए कि जो टॉप 3 कंट्रीज थे नॉर्वे था फिर जर्मनी फिर चाइना। हाल ही में देश की पहली वाटर टैक्सी का उद्घाटन किस शहर में किया गया, ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में जो यहाँ पे सी वगैरह का एरिया है ना मुंबई में, ठीक, तो यहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया गया है वाटर टैक्सी। भारत की जनजाति और देशज भाषाएं, ठीक है, ट्राइबल एंड इंडिजिनस लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, इस पुस्तक को किसने लिखा है, तो ये जो है फरवरी में प्रकाशित हुई थी पुस्तक, प्रोफेसर रमेश सी गौर है ना इनकी पुस्तक है। इस प्रश्न का उत्तर अभी हमने आपको ऊपर ही बताया था, सतलज और काली के बीच जो हिमालय है वो कौन सा है, कुमायूं हिमालय है, ठीक, इन चारों के बारे में बता दिया था, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। और यहाँ तक हमने कंप्लीट किया इस वीडियो को आज, सारे क्वेश्चंस को आप प्लीज़ देखें, जो भी क्वेश्चंस हमने आपसे पूछे हैं प्लीज़ उसको कमेंट करके बताइए। चैनल पे हमारे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके अपना लाइक कीजिएगा हमारे वीडियो को अगर अच्छा लगे तो। इन्हीं सब बातों के साथ समाप्त करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।